आम बजट 2020 को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं? हमारे दौसा संवाददाता ने जनता से जानी उनकी राय। मतलब हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2020 पेश होने को जा रहा है, इसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, व्यापारी वर्ग के बीच में पहुंचे और इनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या अपेक्षाएं हैं इनको, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे, और क्या चाहते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए जो व्यापारी वर्ग और आम जन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा साबित हो। आइए जानते हैं इसी बारे में। कल आम बजट पेश होने को जा रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से पेश करें, तो क्या अपेक्षाएं हैं उनसे आपको और क्या चाहते हैं आप इस बजट में क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से बजट बढ़िया पेश होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी खुश रहने चाहिए, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए और जितनी भी टैक्स में रिबेट दी जाए, जिससे कि पब्लिक ये याद करे कि बजट बजट ही आया है, चाहे रेल किराए में हो चाहे व्यापार संबंधी हो, और बजट पेश करे। कहीं ना कहीं आप मध्यम वर्ग और जो बिल्कुल जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इस बजट में क्या होना चाहिए उनके लिए? भी जो भी सुविधाएं हैं, जितनी भी बजट में टैक्स की है और इनको रियायत है छोटे लोगों को, काश्तकारों को और अन्य वर्गों को, उनको जितना भी टैक्स में रिलीफ रक्षा मंत्री देंगे वो बढ़िया देंगे। यहाँ जो सब्जी विक्रेता है उनसे कि क्या अपेक्षा है वो, जो कल निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है वो आम बजट पेश करने जा रही है, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, मैं सब्जी का व्यापारी हूँ और सुबह उठते ही रसोई से ही शुरुआत होती है। मैं ये चाहूँगा कि जो गृहिणी है वो अपना बजट अपने स्तर से स्थापित कर सके, ऐसा मैं चाहूँगा, क्योंकि इस वर्ष बहुत महंगाई रही है सब्जियों पर, बहुत मार रही है महंगाइयों पर। तो ये जो आम बजट पेश होने जा रहा है, मैं ये अपेक्षा करूँगा कि कहीं ना कहीं ये टैक्स में कुछ कम किया जाए या आयात जो माल होता है उसमें कोई रिबेट दी जाए, जिससे कुछ सब्जियां सस्ती हो। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो मध्यम वर्ग के, जो मंझले वर्ग के और जो छोटे दर्जे के जो व्यापारी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए कि उनको व्यापार में इजाफा हो और इस जो बिजनेस है इसका सीधा सीधा जनता को फायदा मिले, जनता को नुकसान ना हो, इसी तरीके की अपेक्षाएं यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं।